माँ साहब, धुलाई में 4-5 घंटे तो लगे होंगे और भाभी ने तो सारे बर्तन चकाचक कर दिए। माँ साहब इसे देखिए, ये तो हम भी साफ नहीं कर पाते थे, एकदम चमक रहा है ये, अब तो हम इसमें अपनी शक्ल भी देख सकते हैं। परी भाभी ने तो कमाल कर दिया। कहाँ है वो? वो तो छत पे कपड़े सुखाने गई है। सॉरी परी भाभी, लेकिन हम भी क्या करते अब? माँ साहब ने ही कहा था कि सारे घर के कपड़े दे दो। पर माँ साहब ने ऐसा कब कहा था? पत्ते झड़ जाएंगे भाभी, आप भी ना। बबीता रानी फर्जी में लेप लगा रही है उसके जख्मों पर। ओहो, तो ये सारे कपड़े इसकी देन हैं? और नहीं तो क्या, ये चश्मिश अपना मुंह नहीं खोलेगी तो इससे भी बड़े बड़े कांड झेलेगी। हाँ नहीं तो। बिल्कुल सही कह रही हो, वैसे बबीता रानी हो तो तुम एकदम मीठी छुरी। परी भाभी, परी भाभी जल्दी चलिए, माँ साहब ने बुलाया है। परी भाभी वरी नॉट, पापा आए हैं आपके। इसके पापा हैं? तो हम यहाँ क्यों खड़े? चलो। इतने सारे मिठाई किस खुशी में? मौका क्या है समझे? अरे पहले आप मिठाई तो लीजिए। शराबी, जीते रहो बेटा, शाबाश, तेरे पापा को तुझ पे बहुत नाज है। ये तो बताइए आखिर बात क्या है? परी बेटे, तूने माँ साहब को खुशखबरी नहीं बताई? खुशखबरी है? क्यों नहीं बताया बेटे? अरे क्या नहीं बताया? हम पूछ रहे हैं क्या नहीं बताया आपने भाभी? अरे परी ने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है। अब ये बहुत जल्दी टीचर बन जाएगी, हम इसके लिए बहुत खुश हैं। इतनी बड़ी खबर तूने मुझे बताया तक नहीं। बेटे क्या तूने ये खबर अपनी माँ साहब को नहीं दी? कैसे बताते हम पापा, हमें तो खुद ही नहीं पता चला, ऊपर से हम कुछ बोल भी तो नहीं सकते हैं। परी बेटे तो कुछ बोल क्यों नहीं रही? अब आएगा असल मजा, देखते हैं माँ साहब की सुनती है या बाप का दिल रखने के लिए मुंह खोलती है। पापा परी जी क्या बोलेंगी, वो तो कुछ बोल ही नहीं सकती। मेरा मतलब है कि कल रात को इन्होंने आइसक्रीम बहुत खा ली थी तो गला थोड़ा सा। अच्छा तो ये बात है। अरे बेटा रात को गर्म पानी से गरारे कर लेना, गला एकदम ठीक हो जाएगा। खूब मन लगा के पढ़ाई करना बेटा, और अपने पापा से भी ज्यादा बड़ी अच्छी टीचर बन के दिखाना। तुम दोनों खुश रहो बेटे। अच्छा अब मैं चलता हूँ, और भी लोगों को तुम जाकर के मिठाई खिलानी है ना, खुशखबरी देनी। जय राम जी की। जय राम जी की भावना देवी। फिर आना। क्या तू सच में ये जानती नहीं थी? मासा वो बोलेगी कैसे, आपने तो उसे ना बोलने की सजा दिया है। नहीं तो तू
मैंने सजा दी है ना, चलो तो अब मैं वापस भी लेती हूँ। अब तू बोल सकती है। क्या तुझे पता नहीं था इस खबर के बारे में? जी, हम जानते थे। जानती थी तो ये खबर छुपा के क्यों रखी थी तूने? मां साहब, परी जी की इसमें कोई गलती नहीं, उन्हें हमने बताया नहीं था। उन्हें सिर्फ इतना ही पता था कि कोई खुशखबरी है, पर क्या खबर है ये हमने बताया नहीं था। माँ साहब की खामोशी एकदम तूफान से पहले का सन्नाटा है भाभी। सही कहा बबीता रानी, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा, माँ साहब को तो परी की पढ़ाई से काफी तकलीफ है कि नहीं? खैर, आगे आगे देखो, होता है क्या है? होना क्या है, जो होना था वो तो हो चुका, अब आगे क्या होगा? भाभी, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, बस आप मजे लेते जाइए। बड़ा अच्छा फैसला किया तूने भावना, चारों बेटों के नाम पर बराबर खरीदारी की है, जिससे आगे चल के भाई भाई में फूट ना पड़े। एक बात बताओ अम्मा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये चुड़ैल मेरे बेटों को कितनी भी पट्टियां पड़ा ले, लेकिन मेरे बेटे मेरी परवरिश पे खड़े उतरेंगे। एक बात बताऊ अम्मा, लोग कहते हैं मैंने नाम और पैसा खूब कमाया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी जिंदगी की कमाई मेरे चारों बेटे हैं। अम्मा, जिस दिन मेरे बेटों ने लड़ाई की, उस दिन मैं खुद को हारा हुआ पाऊंगी। मेरी इज्जत है मेरे चारों बेटे। थैंक यू सत्तू जी, स्वेयर ऑन भगवान जी, आज तो आपने हमें बचा ही लिया। हम सच का साथ देते हैं परी जी, और आज भी हमने सच का ही साथ दिया, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने सच का साथ क्यों नहीं दिया। क्या कह रहे हैं आप, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए, पहले हमें आग जलानी है, उसके बाद ये केमिकल धीरे धीरे करके उसमें डालना है। वीडियो आपको कहां से मिली? आज सवाल आप नहीं, हम करेंगे। आपको पता था, आपने क्यों नहीं बताया कि दूध में मिलावट के पीछे बड़े भैया थे? उसके बाद भी आप चुप रहे क्यों? आपने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया, लेकिन सच नहीं बोला। बहुत महान बनने का शौक है आपको। अरे जब सब आप पे उंगलियां उठा रहे थे कि मां साहब आपकी वजह से परेशानी में, और आप जानती थी कि बड़े भैया और मंजिले भैया की किरदार है, तो आपने क्यों नहीं बोला? मुझे जवाब दीजिए। सत्तू भैया, वो मां साहब ने भेजा है ये बताने के लिए कि बड़े भैया आ गए हैं। तुम जाओ मारे। जी। जितना आपको छुपाना था आपने छुपा लिया, लेकिन आज सच सामने आके रहेगा परी जी। सत्तू जी हमारी बात तो सुनिए। सत्तू जी, बड़े भैया से कुछ मत कहिएगा। सत्तू जी, कह रहे हैं, हमारी बात सुन लीजिए। सत्तू जी रुकिए। मां साहब, दद्दू। ये सत्तू अचानक इतना जोर से क्यों बुला रहा है? पहले तो कभी ऐसा नहीं किया।
भैया भाभी इधर आइए सब लोग। कहाँ गए सबके सब? इधर आइए सब। अरे क्या हो गया छोटे, क्यों चिल्ला रहा है? हुआ क्या ये तो बता। आपको तो अभी पता चल जाएगा बड़े भैया। क्या बात है सत्तू, आज से पहले तो तू कभी इतना जोर से चिल्लाया नहीं था। इसलिए मां साहब, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं। आज ऐसी क्या बात है? हमें सत्तू जी को रोकना होगा। बता सत्तू क्या बात है? आज बड़े भैया ने ऐसी हरकत की है। हम बता दें कि सत्तू जी इतना क्यों चिल्ला रहे थे? बड़े भैया बैग लेके ना, उसके उसके पीछे पीछे नाग निकला है, इसलिए घबरा गया, जोर से चिल्लाया कि आप सबको बुला लिया। कि क्या बकवास है परी, हम कुछ बात करना चाह रहे हैं मां साहब से। मां साहब से बात किया कि मंत्री बाबे के पीछे नाग है। नाग? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? कोई हमारी बात सुने ना, क्या हो रहा है हमको बताना चाह रहे हैं। जाओ तुम लोग रसोई में जाके कचौड़े के बीच जला के लाओ, तू ऐसे साफ निकल जाएगा। अरे मां साहब आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, ये हो क्या रहा है? अरे सत्तू, अगर एक बार साहब ने काट आ लिया ना, तो हम सब बात ही सुनते रह जाएंगे। हमें साहब से बोलने लगते हैं। पागल हो गए क्या सबके सब? ठीक है मैं जाती हूं। साहब आके कोई लाइट जलाओ, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। अरे भैया लगता है फ्यूज उड़ गया होगा। अब हमें फ्यूज ठीक करना आता है, बस सत्तू जी को हमें टॉर्च दिखानी होगी। हम कहीं नहीं जा रहे, हमें मां साहब से कुछ बात करनी है। सत्तू फौरन परी के साथ जाओ, ये सब बात बाद में बतलाते रहना। चलिए चलिए। अपने आपको बहुत चालाक समझती हैं। आपको क्या लगता है सांप सीढ़ी का गेम खेल के आप हमें अपनी बात कहने से रोक देंगी? बड़े और मंझले भैया ने मां साहब को बहुत दुख पहुंचाया है और उन्हें सारे सवालों का जवाब देना होगा। हम अपने आपको चालाक तो नहीं लेकिन आपको समझदार समझते हैं। एक्चुअली नहीं, समझते थे। हमें लगता था कि मां साहब की खुशी आपके लिए सब कुछ है, लेकिन नहीं, हम गलत थे। आपकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा कहने की? मां साहब की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा है क्या? मंझले भैया और बड़े भैया से आप पूछना चाहते हैं कि उन्होंने मां साहब को धोखा क्यों दिया, उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचाई। आप सही हैं, मगर आपने ये नहीं सोचा जब मां साहब को पता चलेगा उनको जेल पहुंचाने के पीछे उन्हें बदनाम करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके दो बेटों का हाथ है, उन पे क्या बीतेगी? जानते हैं ना आप, उनके चार बेटे उनके लिए मजबूत सहारे जैसे हैं। वो सहारे जिस पे मां साहब के गर्व और अभिमान की इमारत खड़ी हुई है। अगर उसमें से दो सहारे टूट गए तो क्या होगा मां साहब का? मां साहब तो टूट जाएंगी ना, लेकिन आज आप बड़े भैया और मंझले भैया से लड़कर हमारी सोच को गलत साबित करने जा रहे हैं। ऐसा ना परी जी, हमें ज्ञान मत बांटिए। हम अपने भाइयों से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन अगर बात मां साहब की आती है ना, उनकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कोई भी नहीं, हमारे भाई भी नहीं। जो बड़े भैया ने किया है हम जानते हैं, उससे मां साहब का दिल टूट जाता, लेकिन जो सच आप उन्हें बताने जा रहे हैं ना अभी, उससे बिखर जाएंगी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी उसे। सत्तू जी, अगर भाई भाई में लड़ाई हो तो उसे महाभारत बनती है, लेकिन वहीं पर अगर भाई भाई प्यार से रहे
तो उसे रामायण कहते हैं। महाभारत में चाहे कोई भी जीते लेकिन हार एक माँ की होती है। अब आप इस घर में क्या चाहते हैं ये फैसला हम आप पे छोड़ते हैं। तुम सच कह रही हो ना? हाँ हाँ हम सच कह रहे हैं, हमने खुद जाते हुए देखा। अब आप लोग नीचे उतर आइए। चल आजा। सांप को आते हुए भी तू नहीं देखा और जाते हुए भी तू नहीं देखा, रिश्तेदार है। मां साहब वो हमने भी सांप को बाहर जाते हुए देखा। अच्छा हुआ परी ने सांप को देख लिया, वरना घर में किसी को डसते हुए उसे देर नहीं लगती। दद्दो जब तक हम इस घर में हैं, कोई किसी को नहीं डस सकता है। अभी हमें भैया से कुछ जरूरी काम है। भैया कहाँ हैं? उनसे कहिए कि हमें उनसे किसी वीडियो के बारे में कुछ बात करनी है, उन्हें बुलाइए। कैसा वीडियो है सत्तू? ओहो ये आजकल के टुनटुने, तू ही बता दे इस वीडियो में क्या है। घर में जो भूकंप के झटके आ रहे हैं उसके पीछे उस फोन का हाथ है। मां साहब ये अकाउंट्स के रजिस्टर जो आपने मंगवाए थे। ऐसा भी हो सकता है सत्य कि चीजें आंखों के सामने हो रही हो और सामने वालों को समझ ना आए। जी मां साहब बिल्कुल हो सकता है कि चीजें आंखों के सामने हो रही हो और सामने वाले को ना समझ में आए। लेकिन जिसे तुम बहुत समझदार मानते हो क्या उसके साथ भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है माँ साहब, समझदार लोग भी कभी कभी नहीं समझ पाते। लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रही हैं माँ साहब? नहीं कुछ नहीं, ले अपना फोन दे, एक कॉल करना है। हाँ किधर हो? अच्छा मेरे केबिन में आओ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अभी पता चल जाएगा। मैंने इसे यहाँ अपना खाना लेके बुलाया है। इसे यहाँ बुलाने की वजह यह है मुझे इसे बात करने का मौका तो मिले जो इतने दिन से मिला नहीं। माँ साहब हम भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ओहो सत्तू तुझसे तो मैं बाद में भी बात कर सकती हूँ। आज इससे बात कर ले। फोन बड़ा अच्छा है तुम्हारा, जरा दिखाना।
सुना है इस पे फोटो बहुत अच्छा आता है। अगर माँ साहब ने वीडियो देख लिया तो? तो मेरा शक सही था। हालत देखो इनकी। अब अगर इस लड़की ने मुझे वीडियो देखने नहीं दिया तो मेरा शक यकीन में बदल जाएगा।